बिसम वेलकम आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन ब्लड प्रेशर बट बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक दैट वट इज़ ब्लड प्रेशर एंड वट आर द डिफरेंट मैकानिजम दैट आर रेगुलेटिंग इट सो इफ यू टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज ड्यूरिंग कार्टिक साइकिल अच्छा जी अगर इसको हम जो है ना थोड़ा सा सिंपल अगर एक्सप्लेन करें तो ये होता है कि अगर आप, आप आपको एक अगर पा, पानी के पाइप की एग्जाम्पल दूँ तो जब पानी वाला पाइप होता है जब उसमें से पानी गुजरता है तो वो जो पाइप की जो है वॉल्स होती हैं उसके ऊपर एक प्रेशर रिजल्ट करता है जिसको जो है ना वो हम फिजिक्स टीटाम से प्रेशर कहते हैं अब सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो बेसल्स हैं ये भी एक पाइप की तरह ही हैं और जब इनमें से ब्लड पास पास करता है तो वो जब उन वॉल्स के ऊपर जो है ना वो प्रेशर रिजल्ट करता है उस चीज़ को ब्लड प्रेशर कहा जाता है सिंपली अगर देखा जाए तो सिस्टोलिक प्रेशर जिसको आप सुनते हैं कि मेनली अगर आप जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए ये ठीक होता है मेनली देखा जाए तो मेडिकल टर्म तो में सिस्टोलिक को जो कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वन ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए और डायस्टोलिक जो है ना वो एटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए आई एम नॉट गोइंग द डिटेल्स के ये किस तरह बनते हैं या किन uh, कार्डिक इवेंट्स के वजह से जो है ना ये प्रेशर मेंटेन होता है बिकॉज दैट इज़ नॉट दर मेन टॉपिक सो अच्छा जी अगर हम आगे बात करें तो अल्लाह तला ने हमारी बॉडी uh, के अंदर डिफरेंट मेकानिजम्स रखे हैं जो कि इस चीज़ को जो है ना वो मेनटेन कर रहे होते हैं रेगुलेट कर रहे होते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नेचुरल रेगुलेशन इन बॉडी की बात करें ब्लड प्रेसर की तो देर थ्री मेनली मेकनिजम्स एक रैपिड एक्टिंग होता है एक इंटरमीडिएट होता, होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है दे आर आर मल्टीपल मेकानिज़म्स डैट कम अंडर दीज हडिंग्स लेकिन उनमें से अगर हम मेनली uh, को देखा जाए तो रैपिड एक्टिंग रैपिड एक्टिंग जो मेकेजम होते हैं उसके अंदर बैरोप्टर फीडबैक मैकेजम मारा होता है ठीक है अब बैरो होते हैं, ये प्रेशर, होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं मेनली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कैरोटिड बॉडीज के अंदर और आर्चिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जब यहाँ पर प्रेशर आता है तो ये सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को अल्टीमेटली वहाँ से जो है ना ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवा देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट मैकेनिज्म की बात करें तो इंटरमीडिएट तो मैकेनिज्म होता है इसके अंदर मेनली हम कैपिलरी कैपलरी फ्रूट शिफ्ट मैकेनिज्म को जो है ना वो यहाँ पे देखते हैं मेनली ये होता है कि जो है ना वो जब कैपिलरीज के अंदर में से जो मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स जब उनका एक्सचेंज होना होता है तो अगर तो वॉल्यूम जो है ना वो वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ से जो है ना वो वैसल्स में से न्यूट्रेंट्स को ज़्यादा या वॉल्यूम को ज़्यादा पास कर देंगे एक्स्ट्रा सेलोर फ्रूट के अंदर जाके ताकि जो है ना वॉल्यूम कम हो जाए और प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा सो अल्टीमेटली जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये जो है ना वो एक्सचेंज को ज्यादा करवाएगा ताकि वॉल्यूम कम हो जाए और प्रेशर जो है, है ना वो नॉर्मल पे आ जाए अब थर्ड मैकेनिज्म होता है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में हमारे पास आ रहे होते हैं रेनिन एजोटेंसिन एडोस्टिर मैकेनिज्म एनजोटेंसिन एलडोस्टिरोन या रेनिन ये डिफरेंट हार्मोन्स हैं आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दैट मेनली ये होता है कि वेज ऑफ इन एनजोटेंसिन टू का मेनली काम ये होता है कि ये यह वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन है ऑफ कंस्ट्रक्शन करवाएगा करवा तो जो है ना प्रेशर बढ़ेगा जिसको हम बॉडी के अंदर हम कहते हैं टी टोटल पैरिफिरल रेजिस्टेंस जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो अल्टीमेटली जो है ना वो प्रेशर बढ़ जाएगा मेनली अगर हम देखा जाए कि ब्लड प्रेशर को या आर्टीरल प्रेशर को बॉडी में किन दो पैरामीटर्स के बदौलत जो है ना वो हम हमर करते हैं या काउंट किया जाता है या उसको एक एनालाइज़ किया जाता है तो मेनली यहाँ पर दो मेथड दो टर्म्स होती हैं जिसको कहते हैं एक कार्डिक आउटपुट होता है और एक होता है टोटल पेरीफिलर रजिस्टेंस टोटल पेरेफिलर रजिस्टेंस जिसको मैं प्रेशर कह रहा था ये वो चीज़ है और कार्डिक आउटपुट ये होता है कि अमाउंट ब्लड बाय द हार्ट पर मिनट ठीक है और ये, अगर हम देखा जाए तो कार्डिक आउटपुट को देखा जाए तो मेनली हमारे पास जो टर्म आती है या एक, एक जो टर्म सबसे पहले आ रही होती है हमारे माइंड के अंदर तो वो हार्ट से रिलेटेड ही है और दूसरे अगर टोटल ब्राइफ रेजिस्टेंस की बात की रेजिस्टेंस किस चीज में होगी तो अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल्स में होगी ठीक है अब अगर देखा जाए तो हाइपर टेंशन किसे कहते हैं ये तो था नॉर्मल ब्लड प्रेशर अब यही ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल रेंज से ओवरशूट करेगा तो इसको हाइपर टेंशन कहते तो हैं अगर कम होगा तो इसे हाइपर टेंशन कहते हैं हाइपर टेंशन जो है ना मेनली अगर इसको जो डब्ल्यू एच ओ जो इसको रिकमेंडेशन देता है वो ये कहते हैं कि अगर सिस्टोलिक जो है ना वो वन फोटी मिली मीटर मरकरी से राइज करेगा और डायस्टोलिक जो है ना वो नाइन्टी मिली मीटर मरकरी से ओवर शूट करेगा तो इसको जो है ना हम हाइपर टेंशन लेबल करते हैं ठीक है अब चले अब ये चीज़ अब नॉर्मल हो गई हाइपर टेंशन हो गई अब इसके बॉडी पे क्या अफेक्ट्स होंगे मेनली होगा कि जो है ना वो जब प्रेशर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हार्ट को जो है ना वो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हार्ट का वर्क लोड ज़्यादा होगा तो इससे वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के फोर चैम्बर्स होते हैं दो एट्रियम और दो वेंटिकल्स होते हैं तो अल्टीमेटली जो है ना वेंट्रिकल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो हाइपरट्राफी वो, वो साइज़ में ज़्यादा हो जाएंगे अब जब अब जो साइज़ में ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और उसके लिए क्रोनिकली ब्लड सप्लाई जो है ना वो उस लेवल की नहीं हो पाएगी जिसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेट रिजल्टिंग इन जो है ना वो क्रॉनिक इस्कीमिया जिसकी वजह से एंजाइना फ जो कि हार्ट पेन को कहते हैं वो होना शुरू हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे मल्टीपल जो है ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्री लाइफ जो कि बहुत कॉमन है कि हम लोग जो है ना वो, आ, है है ना वो आ, खाना खा के तो वहाँ पर बैठे रहते हैं कोई वॉक एक्सरसाइज या जॉगिंग वगैरह नहीं करते जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो अल्टीमेटली ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं अब ती बहुत कॉमन चीज़ आप सुन रहे होंगे कि कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से हमें हार्ट के जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं अब कोलेस्ट्रोल को देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल मेनली अगर बहुत आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये होता है कि कोलेस्ट्रोल जो है ना वो जाके जम जाता है हमारी वैसल्स के अंदर वैसल्स के अंदर तो जब ये जमेगा कोई चीज़ एक पाइप के अंदर ब्लॉकेज काज करेगी तो अल्टीमेटली जो चीज़ पीछे से आ रही है उसको रुकावट का सामना करना पड़ेगा और उसका वहाँ पर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वही बात है टोटल टोटल पैरफे रेजिस्टेंस जो है टी पी आर वो ज़्यादा हो जाएगी और जो है ना ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा थर्ड ये चीज़ सेम है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसकी वजह से हम अपने जो नॉर्मल मैकेनिज्म है उसको जो है ना वो रेगुलेट नहीं करते और सिलेंट्री लाइफ में जो है ना वो हम पड़े रहते हैं कमिंग टवर्ड्स द मेन टॉपिक जो हमारा ये है कि वाट आर द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन ब्लड प्रेशर ठीक है अब मेनली हम ये टर्म सुनते हैं जी मुझे स्ट्रेस आ रहा है एनजाइटी है डिप्रेशन है अब ये सारी चीज़ें तो हैं अब ये सारी चीज़ें हमारे साथ करती क्या है हमारी बॉडी के साथ इनका जो है ना वो क्या रोल है इनका तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास अला पाक हमारे बॉडी में दो मैकेनिज्म रखे होते हैं एक होता है सिंप थेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिमथेटिक नर्वस सिस्टम आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स मैं आपको अगर बहुत आसान और फास्ट में समझाऊँ तो जो पैरासिपथेटिक का ये ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारा मेनली एक्टिव होता है ड्यूरिंग द रेस्ट एंड रोमिनेशन पीरियड बॉडी के नॉर्मल फंक्शन चल रहे होते हैं और इसने उनको नॉर्मली जो है ना वो ब्लड प्रेशर और डिफरेंट हार्मोन रिलीज उनको जो है ना नॉर्मली उसने रेगुलेट करना होता है अब सिम्थेटिक सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन आती हैं अब फाइट से बता दी कि जब बॉडी ने अगर भागना है अगर उसके सामने कोई खतरनाक चीज़ आ गई है या उसको डर आ गया तो अगर उसने भागना है या उस चीज़ के साथ कोप करना है तो अल्टीमेटली बॉडी जो है ना उसको जो है ना वो उसकी हार्ट रेट उसका हार्ट रेट बढ़ाएगी ताकि उसके जो स्केटल मसल हैं उनको ज़्यादा जो है ना वो ब्लड जा सके सप्लाई जा सके ताकि जो है ना स्कैटल मसल जो है ना मैक्सिमम आउटपुट दे सके और इंसान जो है ना अपनी जान बचा सके अब अगर देखा जाए तो स्ट्रेस को देखा जाए या डिप्रेशन है या एंजाइटी है ये सारी चीजें आती हैं फाइट एंड फाइट की जो है ना कैटेगरी के, के अंदर अब यहाँ पे ये यह है कि जब स्ट्रेस आ गया तो जो है ना वो सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन भी होगी जो है ना वो सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से आप हमारा जो हार्ट रेट है वो भी बढ़ेगा वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होगी टोल पेरफ्राइजिस्टनस भी बढ़ेगा कार्डिक आउटपुट रोट बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ, वेन में जो है ना जा रही होंगी इनका कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि आगे जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स पड़े हुए हैं या हमारा उन चीज़ों की जो है ना वो डिमांड ही नहीं है तो फिर ये सिस्टम एम ही जो है ना वो फजूल में चलता जाएगा और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी बॉडी में जो जो वैसल के अंदर तो जो प्रेशर है ब्लड का वो राइज करना शुरू कर जाएगा ठीक है मेनली ये चीज़ होती है जी इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अब आ, हमने इन चीज़ों का मैनेज किस तरह करना है अब हमारे डेली लाइफस्टाइल के अंदर हम ज़ाहरी बात है हर इंसान किसी ना किसी जो है ना वो फील्ड से जुड़ा होता है कोई स्टूडेंट होता है कोई प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो मेनली होता है कि जो है ना वो हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे होते जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है और अल्टीमेटली जब ये स्ट्रेस रिपीटेड मैनर में होता जाता है तो एक वो आदत सी मान जाती है हमारी बॉडी की और अल्टीमेटली जो है ना हाइपर टेंशन डिवेल्प होना शुरू हो जाता है मैनेजमेंट में ये है कि हमने जो है ना वो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि मैं फलान टाइम में ये काम कर रहा हूँ और उसके बाद और उसके ऊपर आपने जो है ना वो आ, मुकम्मल उसको जो है ना वो उस वक्त के ऊपर काम को को पूरा करने की कोशिश करनी है ताकि जो है ना वो आपके मेंटल स्ट्रेस जो है ना ये ना हो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कहते हैं सीख सोशल स्पोर्ट सोशल स्पोर्ट में ये है कि uh, जब भी कोई चीज़ आए जो हमें तंग कर रही है हमें स्ट्रेस दे रही है स्टडीज के रिलेटेड है या कोई भी हमारे uh, वैसे जो लाइफ डीटिंग्स चल रही हैं सोशल स्पोर्ट में ये होता है कि हम उसको अपने फैमिली के साथ डिस्कस करें अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स uh, के साथ डिस्कस करें मे बी कोई हमें बेटर ऐसा आइडिया मिल जाए कि जिसकी वजह से हम उस कंडीशन में जो है ना बैटरली वो कोप कर सकें वहाँ से निकल सकें अब थर्ड चीज़ आती है एक्सरसाइज एक्सरसाइज ये होता है कि आप जब मॉर्निंग uh, अगर आप वॉक करें जॉगिंग करें या एक्सरसाइज़ करें तो आपके जो है ना वो एक जो फ्रेश एयर है वो आपके अंदर जाती है आप एक ग्रीनरी को देखते हैं थोड़ा आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप आहिस्ा आहिस्ा कर जब ये चीज आपकी हैबिट बनता जाती है तो आपके बॉडी को जाना है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है ना वो आ रहे होते हैं फोर्थ थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर स्लीप हमारी नींद पूरी नहीं होती है जी हम लोग जो है ना वो रात को लेट तक जो है ना वो मोबाइल यूज़ करते हैं सुबह हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है तो प्रॉपर स्लीप नहीं होती तो हमें इस वजह से यही स्ट्रेस होता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो पता नहीं मेरा सारा दिन किस तरह गुजरेगा और अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये मिल के हाइपर टेंशन की तरफ लेके जा रही होती हैं ठीक है तो स्लीप को जो है ना वो मैनेज करना चाहिए एल्डी गुड न्यूट्रिशन है जो जो हमारी डाइट्स हैं रिच इन लिपिड्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह में ज़्यादा हैं या जो बढ़ाती हैं हमने उनको जो है ना वो रिड्यूस करना चाहिए और अवॉइड स्मोकिंग या ड्रग्स वगैरह इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं इन सब को जो है ना वो रिड्यूस करना चाहिए थैंक यू